सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको GTA San Andreas में किंग कॉन्ग मोड को कैसे इंस्टॉल करें वो दिखा रहा हूँ। तो सिंपली आपको मैं इस फाइल्स की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपको वहाँ पे जाकर ये सारी फाइल्स को डाउनलोड करनी होगी। ये दो फाइल होगी, एक होगी किंग कॉन्ग जिप और दूसरी होगी IMG टूल। तो मैं ये दो फाइलों को डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आप इस दोनों फाइल को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे आप डाउनलोड कर लोगे आपको ये फाइल मिल जाएगी। इसको राइट क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करना होगा। एक्सट्रैक्ट हियर मैं एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ तो मैं नहीं करूँगा, तो ये पूछेगा तो कट कर लिया। तो मुझे देख सकते हो आप, ये फाइल्स मिल चुकी है। तो आपको एक्सट्रैक्ट करने के बाद डाटा मिलेगा और GTA 3 ये फाइल और ये टेक्स्ट फाइल, और आपको इसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये IMG टूल मिलेगा, जिसको आप ये सेटअप मतलब कि एक फाइल होगी जिसको आपको रन कर लेना होगा। फिर आपको ये स्टेप करने के बाद अपने GTA San Andreas के मेन डायरेक्टरी में आ जाना होगा। तो मैं अभी GTA San Andreas मेरा कहाँ है उसे खोल लेता हूँ। तो आपको राइट क्लिक करके, तो मेरा GTA San Andreas कंप्यूटर डी में है, तो मैं उसको खोल लेता हूँ। और आपको अपनी फाइल्स को रिप्लेस करते जाना होगा। तो डाटा में जाकर आपको स्क्रिप्ट को कॉपी करना होगा, और इस डाटा में आकर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में। तो राइट क्लिक करके पेस्ट कीजिए, तो ये रिप्लेस करने को पूछेगा, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये फाइल पेस्ट हो चुकी है, देखिए मैं फिर से कर लेता हूँ। तो ये पेस्ट हो चुकी है। अब आपको दूसरी फाइल को करना होगा, आपको इस फाइल को नहीं करना होगा, आपको अब टेक्स्ट फाइल को कॉपी करना होगा। तो इसको कॉपी कर लीजिए और अपने GTA San Andreas की डायरेक्टरी पे आकर आपको इसे राइट क्लिक करके डायरेक्टरी में भी पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे पेस्ट करके मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा, कॉपी एंड रिप्लेस। तो ये रिप्लेस हो चुकी है। अभी ये स्टेप के बाद आपको अपने ये IMG टूल को ओपन करना होगा। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। आप इसका एक बार बैकअप ज़रूर ले लीजिए दोस्तों, आप जो फाइल्स को रिप्लेस कर रहे हो। तो आपको अपने गेम की फाइल को डालना होगा। तो मेरा गेम जैसा कि आपको पता है डी ड्राइव पर है, तो मैं GTA San Andreas को ओपन कर लूँगा। और फिर आपको मॉडल्स पे आकर GTA 3 ये जो दिख रहा है इस पे आपको ओपन कर लेना होगा। तो ये कुछ होगा और फिर ये लोड हो जाएगा, फिर आपका गेम में ये मोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम गेम को एक बार चलाकर देख लेते हैं। ये फाइल्स होने के बाद आपको एक दो मिनट के लिए रुकना होगा, फिर आप इसे काट सकते हो, फिर आपके गेम में मोड इंस्टॉल सक्सेसफुली हो जाएगा। तो मैं गेम को रन करता हूँ, तो ये हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं हर चीज़ काट लेता हूँ। तो अब हम गेम को लॉन्च करके देखेंगे कि मोड वर्क कर रहा है नहीं। तो आपको गेम को ओपन करना होगा। हाँ, और दोस्तों आपको न्यू गेम पर ही जाना होगा, लोड गेम से आप ये मोड को नहीं खेल पाओगे। तो आपको अपने लोड गेम पर नहीं जाना होगा, न्यू गेम पर आप जाकर गेम को इजीली लॉन्च कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। स्टार्ट गेम पर जाइए, लोड गेम नहीं करना होगा, न्यू गेम पर क्लिक कीजिए और आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। किंग कॉन्ग मोड देखिए, डाउनटाउन लॉस सैंटोस, और बूम गेम में मोड इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए किंग कॉन्ग इज़ बैक। तो हमें इस मिशन को आप खेल सकते हो, किंग कॉन्ग वाले मोड को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।